Hello students, welcome back to our maths class. This is Mansi Devnani from Silver Bells. Today we are going to start part 4 of chapter number 10, tens and hundreds. So, हमारा टॉपिक आज का है एडिशन, एड करना है. दिस इज वेरी सिंपल. जो आप बेसिक करते आ रहे हो ये सेम बेसिक आपको फॉलो करना है. सो 0.4 प्लस 0.3, तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे 0.4 प्लस 0.3. That will be 4 and 3 plus करेंगे तो आएगा 7, decimal के नीचे decimal, and answer will be 0.7. Next is 0.9 plus 0.8. So इस तरह से अगेन हम लिखेंगे. नाइन एंड एट होता है 17, सो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे एंड 1 करेंगे कैरी ओवर और वही 1 नीचे आएगा. सो आंसर विल बी 1.7. नेक्स्ट इज 13.09 प्लस 6.48. ओके, अब इसे लिखने का तरीका आपको देखना है. पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, देखा आपने. और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर जीरो डाल सकते हो, वरना ये इसी तरह से रख सकते हो आप. 9 and 8 is 17, 1 कैरी ओवर, 4 and 1 is 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा. 3 and 6 is 9 and 1 हियर, सो द आंसर विल बी 19.57. ये तो बहुत ही इजी था. ओके, अब एडिशन हो गया कंप्लीट, हम करेंगे सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सो अगेन इसे वर्टिकली रखेंगे 0.9 माइनस 0.2. 9 में से 2 कट होगा तो होगा 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट एंड अगेन 0, सो द आंसर विल बी 0.7. नेक्स्ट सम इज 4.2. अब देखना मैं इसको किस तरह से रख रही हूँ. माइनस 2.84, तो 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यर 8 और यहाँ पर 4. अब ऊपर कुछ नहीं है तो हम इसे ऊपर रखेंगे 0. 0 में से 4 नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, कटिंग 0 का हो जाएगा 10, 2 का हो जाएगा 1. 1 में से 8 नहीं जाएगा इसीलिए हम यहाँ पर एक और 1 देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एक और 1 दिया है इसीलिए 4 को कट करके हम उसका नंबर, ऊपर वाला नंबर लिखेंगे 1 less 3. 10 में से 4 गया तो 6, 11 में से 8 गया तो 3 एंड पॉइंट अगेन, 3 में से 2 गया तो 1. द आंसर विल बी 1.36. नाउ नेक्स्ट, यहां पर दिया है ओनली इंटीजर 3, कोई पॉइंट नहीं दिया, और यहां पर है माइनस में 1.62. तो यहां पर आप ध्यान से देखो, पॉइंट्स के ऊपर मैं लगाऊंगी यहां पे पॉइंट, और जहां पर कोई वैल्यू नहीं दी है तो वहां पर हम लगाएंगे 0. पहली बार कटिंग में 0 का हो जाएगा 10, देन दूसरी बार 9, 3 को कट करके होगा 2, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 6 गया तो 3, पॉइंट 2 में से 1 गया तो 1, सो द आंसर विल बी 1.38. समझ में आ गया आपको. एक बार फिर से, यहाँ पर सिर्फ इंटीजर दिया है तो उसे हमें पॉइंट लगाना है यहाँ पर, और जहां पर कोई वैल्यू नहीं थी वहां पर मैंने 2 0 डाल दिए. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द फॉलोइंग. अब ये मैच द फॉलोइंग आपको अच्छे से देखने हैं कि मैं किस तरह से सॉल्व कर रही हूं. यहां पर दिया है हाफ रूपी, 1/2 मीन्स हाफ रूपी. अब इस हाफ रूपी को मैं किस तरह से कैलकुलेट करके पैसे में कन्वर्ट करूंगी अब देखोगे. 1 रूपी में हमें पता है 1 रूपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. ये आपको मैंने पार्ट 3 में भी पढ़ाया, 1 रूपी इज इक्वल्स टू
100 पैसे। सो हम यहां पर करेंगे हाफ मल्टीप्लाई बाय 100। रुपीज को अगर हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम उसको यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। 2 के टेबल में 100 कब आता है तो हम डिवाइड करेंगे 2 के टेबल में 100 कब आता है, 2 फाइव जा 10 एंड 0 का 0 यहां पे, सो आंसर विल बी 50 पैसे। हाफ रुपी मीन्स 50 पैसे, तो हम उसे यहां पर मैच करेंगे 50 पैसे से। दूसरा देखो आप, अगेन मैंने इसको यहां पे मल्टीप्लाई किया 100 से। रुपीज को पैसा में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स आपको हर एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है यहां पर 100 से। ये जीरो कट, ये जीरो कट, बाकी बच गया 10 पैसे, यानी 1/10 मीन्स 10 पैसे। सो हम 10 पैसे के साथ इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट इज 4/5। 4/5 अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 5 के टेबल में 100 कब आता है, सो 5 टू जा 10 एंड यहां पर एक 0, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 20, 24 जा होता है 80, सो इसका आंसर है 80 पैसे। एक बार देख लो यहां पे, देखो यहां पर 1 था, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10, अगेन यहां पर भी 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाय 50 इज 50, लेकिन यहां पर डिजिट है 4, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 80, 2 4 जा 8 एंड 0, सो हम इसे मैच करेंगे 80 पैसा से। नेक्स्ट इज 7/100, तो यहां पर अगेन हम लगेंगे 100, 100, 100 कट, तो यहां पे मिल गया हमें ओनली 7 पैसा, 7 पैसा को 7 पैसा से यहां पर हम मैच करेंगे। 3/4 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, 4 के टेबल में 100 कब आता है, सो हम डिवाइड करके देखें यहां पर, ओके यहां पर है 100, यहां पर 4, 4 टू जा 8, यहां पर 2 एंड 0 यहां पर लाए, तो 4 के टेबल में 20 कब आता है, 5 जा 4, 5 जा 20, देयरफॉर 4 के टेबल में 100 कब आता है, 25 जा, नाउ 25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहां पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूं, 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 जा 15, 1 कैरी ओवर, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, सो हमारा आंसर क्या आया, 75 पैसे, तो हम यहां पर 75 को 75 से मैच करेंगे। नाउ 98/100 और मल्टीप्लाई बाय 100, 100 100 कट, कितने पैसे हुए, 98 पैसे, सो हम इसे 98 के साथ मैच करेंगे। अंडरस्टूड, ओके। अब यहां पर इन दोनों का मैच ओवर हुआ, अब ये जो हमने इस तरह से डेसिमल में लिखा है उसको उस मैच करना है, सो 80 पैसे मीन्स 0.80 रुपी, सो ये इससे मैच होगा। ये तो सिंपल आपको डिजिट्स देखने हैं, 80 पैसे को 80 पैसे से मैच किया, 98 पैसे को हम 98 से मैच करेंगे। लिखने का तरीका देखा आपने, ये 98 पैसे को अगर हमें रुपीज में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 0.98। 50 पैसे को अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 0.50। 75 पैसे को लिखना है तो 0.75। 10 पैसा, सो 0.10। 7 पैसा, एक बार इसका ध्यान रखना, 7 पैसा कैसा होता है, दैट इज 0.07। 100 पैसे में 2 जीरोज होते हैं, यहां पर वैल्यू है ओनली 7, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, 0.07। ओके, विद दिस योर पार्ट 4 इज कंप्लीटेड, आई विल सेंड यू द PDF, यू हैव टू राइट एग्जैक्टली एज आई हैव रिटन इन दिस बुक। थैंक यू।